हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्टी से। चलिए आज बनाते हैं नवरात्र स्पेशल व्रत वाले आलू के पराठे, जो खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और ये झट से बनके भी तैयार हो जाते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये भी बॉल ले लिया, इसमें दो मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू लिए हमने, ये दो ग्रीन चिली लिए है, आप अपने हिसाब से ग्रीन चिली डाल सकते हैं। इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल दिया, फिर इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, ये हमने डाल दिया। इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, फिर डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें ये हमने सिंघाड़े का आटा लिया है एक कप, इसको डाल देंगे। इसकी जगह आप साबूदाने का आटा भी यूज कर सकते हैं। फिर ये हमने ग्रेट किया हुआ जिंजर लिया है, इसको डाल के हाथों की हेल्प से इस तरह से मैश करते हुए आलू को मिक्स कर लेंगे, इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। ये भी हमारा डो बन के तैयार हो चुका है, इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिसे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अभी 10 मिनट हो चुके हैं। ये भी हाथों में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया, जिससे कि हाथों में चिपके नहीं डो, और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेके इसका पोर्शन स्मूथ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से हल्का सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से बराबर हो जाए। ये भी पैन लिया है, इसमें नीचे लगा देंगे घी, थोड़ा सा घी लगा के जो हमने पराठा बना के रखा था उसको डाल देंगे, और डाल के इसको हल्के हाथों की हेल्प से इस तरह से और बड़ा कर लेंगे, इसको पतला कर लेंगे इस तरह से। ये भी हमारा एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लिया है। अब इसमें लगा देंगे घी, दूसरी साइड भी पलट के इसमें घी लगा देंगे, और दोनों साइड इस तरह से पलटते पलटते हुए इनको सेक लेंगे दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक। ये बढ़िया से हमारे आलू के पराठे बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते खाने में। अगर आपने एक बार खा लिया तो दिन भर बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। ये भी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, इनको सर्व कर लेंगे। ये आप आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये भी हमने खीरे के रायते के साथ इसे सर्व कर लिया है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत में झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।